नमस्कार मित्रों, मैं राकेश गंजू आपका लोटस वर्ल्ड में हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर आपको जानना है कि कश्मीर में 1990 में क्या हुआ, अगर आपको जानना है कि कश्मीर में एक साथ 3-4 लाख कश्मीरी हिंदू एक ही दिन में एक ही रात में कैसे भगाए गए, अगर आपको जानना है कि कश्मीर में खाली एक धर्म एक संभाव लोगों को ही टारगेट क्यों किया गया, तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं राकेश गंजू आपका होस्ट एंड दोस्त लोटस वर्ल्ड के स्पेशल कार्यक्रम 19 जनवरी निष्कासन की दास्तान में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं 1990 में कश्मीरी हिंदुओं के साथ क्या हुआ और उनको कैसे ही एक रात में अपने घरों से भगाया गया, तो उसी सिलसिले में आज हम बात करने वाले हैं एक कश्मीरी हिंदू से जिनका नाम है विकास रैना जी। विकास रैना जी, आपका लोटस वर्ल्ड में हार्दिक स्वागत है। नमस्कार जी। नमस्कार राकेश जी, और थैंक यू लोटस वर्ल्ड फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू स्पीक अबाउट द हॉरर नाइट जो हमारी रूह और हमारी मस्तिष्क में पूरी बैठी हुई है। उस 90 की रात जब कश्मीरी पंडितों को ये बोला गया था कि आप यू डोंट बिलोंग टू कश्मीर, आप छोड़ दीजिए कश्मीर, तो रेल्यू गल्यू तो चल्यू, इसका मतलब है नारा ये दिया गया था रेल्यू गल्यू चल्यू, इसका मतलब है या तो आप मिल जाओ और कन्वर्ट हो जाओ, या तो मर जाओ सीधे गल्यू, या तो भाग जाओ यहाँ से। तो तीन ही ऑप्शन दिए गए थे। वो जो रात, जो भयानक रात थी, मेरे को अब भी याद है। आई वॉज ओनली 10 years old when in 1990 आई वॉज 10 years old and my father came to me and told me subah ke 4 baje and told me that we have to leave. Humne kaha kahan jana hai, bola ki humko kashmir abhi kuch dinon ke liye chhodna padega kyunki ye mahol theek nahi hai, aur hum wo locality mein reh rahe the jahan pe we were the only kashmir, I belong to sopor baramla district which was hub of terrorism at that point of time. To humko to kuch pata nahi tha, raaton raat निकले हम एक टैक्सी की, छोटा सा सामान, एक सूटकेस, सूटकेस दादाजी, मैं, दादी, मम्मी, दीदी और पापा निकल गए जम्मू की ओर। तो ये हमको रास्ते में एहसास हुआ कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि रास्ते में इतनी भीड़, इतनी बसें, ट्रकें सामान लेकर कश्मीरी पंडित जा रहे थे, शक्लें बुझी हुई दीप की तरह, डर डर के लोग जा, किसी को बता नहीं रहे थे लोग। पता चलता था 90s में, अर्ली 90s में या 89 के एंड में पता चलता था यार ये लोग तो निकल गए, वो लोग तो निकल गए, मतलब सब इतना डर लग रहा था। ये कहानी मेरे फादर की है हु इज वन ऑफ द विक्टिम्स ऑफ टेरर, बट ये कहानी 90 की नहीं है। मेरे कहने का मतलब है कि ये कहानी 1997 की है। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि 7 साल बाद भी हमको टारगेट किया गया बिकॉज ऑफ आवर रिलीजन, बिकॉज ऑफ आवर फेथ, बिकॉज हम कश्मीरी हिंदू थे, हम थ्रेट थे उनके इस्लामाइजेशन ऑफ J&K के, क्योंकि वो पूरे J&K को एक इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते थे, जैसे आपने मॉडर्न एरा में देखा होगा ISIS, तो एक सिमिलर काइंड ऑफ थिंग करना चाहते थे, निजामे मुस्तफा इस्लामिक रूल एक एस्टेब्लिश करना चाहते थे जहाँ पे कैलिफेट और आपके लॉज, शरिया लॉज चले वो सब। बट उनका बिगेस्ट एनिमी जो इस चीज में था वो एक कश्मीरी पंडित था जो एक प्रो इंडियन नेशनलिस्ट और इंडिया के साथ खड़ा होने, इंडिया का झंडा उठाने वाला वही एक था वहां। तो वो क्या करते, तो इतना लोगों को टारगेट करना शुरू कर दिया। और उन्होंने जो किलिंग्स की 90s में, दे वर नॉट, दिस वॉज नॉट समथिंग विच वॉज रेंडम किलिंग्स, वो एक पूरा उनका प्लानिंग था। उन्होंने, अगर आप देखें कोई भी किलिंग उठा के देखिए, उन्होंने उन लोगों को मारा जो बहुत ही प्रोमिनेंट लोग थे और जो गवर्नमेंट जॉब्स या कहीं पे एक्टिविज्म में बहुत आगे थे, तो मारना शुरू कर दिया, टारगेटेड किलिंग करना चाहिए। देयर वाज नो रैंडम किलिंग कि ये कश्मीरी पंडित है इसको मैं मार दूं, नहीं, वो एक पूरा एक प्लान्ड होता था। देवर जस्ट लाइक एक गिद्ध की तरह वो प्लान करते थे, हाइना की तरह एक प्लान करते थे और फिर प्रे के ऊपर ये करते थे। और प्लानिंग का पूरा जो ऑर्केस्ट्रेशन होता था वो सरहद पार पाकिस्तान से होता था, जहाँ पे एक लिस्ट एक दिया जाता था, क्योंकि उस टाइम मेजरली जो था JKLF ही था, तो एक लिस्ट दिया जाता था और बोला जाता था इन लोगों को हटाओ। इन लोगों को क्यों हटाओ, हटाओ इसलिए क्योंकि ये एक बड़े पोस्ट पे है, ये हट जाएंगे, एक तो दे वांटेड टू किल 2 birds with 1 stone, एक तो ये हट जाए, इनको मार देंगे तो एक दहशत का माहौल, 10-100 और लोग डर जाएंगे। दूसरा, जो ये आगे नहीं बढ़ पाए, पीछे क्योंकि मुस्लिम थे, प्रमोशंस होता है, ये होता है, उसके पीछे ये भी था क्योंकि आगे वाला हिंदू हट गया तो मुस्लिम को जगह मिलेगी वहां पे ऑन प्रोमिनेंट पोस्ट, सो दैट्स व्हाई दे स्टार्टेड किलिंग पीपल, टारगेटेड किलिंग, एक बहुत ही प्लान्ड, दे टारगेटेड टीचर, दे टारगेटेड डॉक्टर्स, डॉक्टर्स, पॉलिटिशियंस, दे टारगेटेड या मैनेजर्स,
अपने बड़े बड़े पोस्ट पे जैसे नीलकंठ गुंजू जी थे, इवन कि मेरे फादर बाल बाल बच्चे हैं उनको मारने आए थे, एंड लकीली पर्सन हु केम टू किल हिम वाज हिज एक्स स्टूडेंट। ओके, तो वो हम जालूरा के हैं तो वो एक गांव है वहीं अपोजिट साइड में, वहां पे वो पोस्ट थे। तो व्हाइल कमिंग बैक इन द इवनिंग स्कूल से जब वापस आ रहे थे वो पढ़ा के, तो रास्ते में उनको तीन मिलिटेंट आए, उसमें से एक मेरे डैड का शागिर्द रह चुका था। तो उसने बोला कि मैं आपका शागिर्द हूँ, उसका लिहाज करता हूँ, चले जाइए, क्योंकि आज पहली बार और आखिरी बार मैं आपको जीवन दान दे सकता हूँ, अगली बार मैं नहीं दे सकता हूँ, फिर मेरे हाथ में भी नहीं। तो वही चीज था जब हम निकले वहां से, जैसे मैंने आपको बताया कि हम जो मोहल्ले में रहते थे सोपोर में, इट वॉज ए वेरी न्यू पॉश मोहल्ला जो जिसे कहते हैं, जहाँ पे सब IAS ऑफिसर्स, ब्यूरोक्रेट्स और ये सब रहते थे, बट वी वर द ओनली हिंदू घर। तो उसे नूरबाग कॉलोनी कहते थे, वो बहुत ही न्यूली डेवलप्ड कॉलोनी बनी थी सोपोर के थोड़ा आउटस्कर्ट्स। तो उस दिन भी शाम को लोग हमारे घर आए कि हम तो आपको बचा लेंगे, बट आगे जो हजूम आएगा। सॉरी मैं यहाँ पे इंटरप्ट करना चाह रहा हूँ, इट वॉज नॉट ओनली प्लान्ड, इट वॉज मास सर्कुलेटेड, सेम सेंटेंसेस वर told to us when we were loading our truck. I was 8 years old at that time, but still I remember those sentences, those neighbors who came to us and they said कि हम तो आपको कुछ नहीं करने के, लेकिन कल कोई बाहर का आ गया तो हम क्या करें। मैं यही बोल रहा था ना, ये पूरा ऑर्केस्ट्रेटेड था, ये ऐसे कोई, ये बहुत सालों से प्लानिंग चल रहा था कि इनको कैसे करना है, ताकि एक किस्म के नारे, एक किस्म के सेंटेंसेस, यही सब सबको बोला जाएगा। जैसा आपने बोला वही हमको भी बोला गया, वही बहुत लोगों को बोला गया कि हम तो बचा लेंगे, आप नेबर हो हम बचा लेंगे, बट आगे हुजूम आएगा तो हम क्या कर पाएंगे। तो ये चीज फिर हम निकल गए। तो आई टेल यू समथिंग अबाउट माय फादर। कश्मीर छोड़ा था आपने, वो दिन याद है आपको? मैंने सर 11 जनवरी को छोड़ा था, 11 जनवरी 1990, 19 जनवरी से पहले ही। हाँ, 19 जनवरी से पहले ही हमने छोड़ा था। तो हमने जो हम निकले थे 17 अप्रैल 1990 को निकले थे हम, वो दिन अभी भी याद है। तो आप उसके बाद जब आप निकले, वाज इट टोटली फैमिली के साथ कि आप बाय पार्ट इन पार्ट गए थे? नहीं, इन पार्ट्स में एक्चुअली मेरे फादर जब आए थे हम इन पार्ट्स ही गए थे। मैं पहले निकला अपने मामा जी और मेरे मातामाल, मतलब जो नानी के घर, उनके साथ में 11 को निकला। मेरे फादर वादर और मेरे सब लोग, मेरी दीदी उससे पहले निकल चुकी थी, तो मेरे फादर और वो सब लोग समथिंग अराउंड मार्च या अप्रैल में निकले। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, लेट मी गिव यू ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट माई फादर। माई फादर वॉज अ वेरी यंग ऑफिसर। When he was assassinated, he was principal higher secondary school Gul, and he became lecturer at the age of 21. So he was MSc honors electronics from Agra University, and so ek young bright officer jo country ko serve karna chahta hai, jo logon ko serve karna chahta hai education ke through. Jab hum Jammu pahunche, sab log hum Jammu pahunche, to we didn't went to Jammu, we went to Udhampur. तो वी स्टेड इन उधमपुर, एंड कुछ ही महीनों के बाद मेरे फादर का प्रमोशन, बिकॉज ही वॉज लेक्चरर एंड ही ज्वाइंड एट ए वेरी यंग एज, तो प्रिंसिपल बन गए, एंड ही वॉज 39 ईयर्स ओल्ड ओनली एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, एंड ही वॉज सेंट टू लद्दाख। तो लद्दाख में उन्होंने साढ़े तीन साल दिए, और फिर गवर्नमेंट का एक नॉर्म है वहां पे कश्मीर में। तो मेरी स्टोरी का ये है कि कैसे कॉन्स्पिरेसी वो लोगों ने किया, मतलब ये मैं फादर के एंगल से बता रहा हूँ, बहुत लोगों के साथ ऐसे किया, आप सुनिएगा ये कैसे किया उन्होंने। साढ़े तीन साल उन्होंने वहां पे दिए लद्दाख में, तो जैसे ही उन्होंने वापस उनकी ट्रांसफर हो गई, तो कश्मीर में एक नॉर्म है, गवर्नमेंट का एक नॉर्म है, इफ यू स्पेंड 3 years or something at a remote place like लद्दाख और करगिल और something, करगिल में थे वो पोस्ट, तो आपको पोस्टिंग ऑफ योर चॉइस मिलता है नेक्स्ट। तो व्हेन ही केम बैक ही वाज अराउंड 42-43, उनको बोला गया नहीं, आप यू आर ए वेरी यंग ऑफिसर, वी कांट गिव यू। पहले तो कॉन्स्पिरेसी वहां पे रची गई, ही वाज एज ए कश्मीरी पंडित, ही वाज डिनाइड द राइट दैट वाज गिवन बाय द गवर्नमेंट, ही वाज नॉट गिवन पोस्टिंग ऑफ हिज चॉइस, ही वाज टोल्ड यू आर ए यंग ऑफिसर, यू हैव टू गो समवेयर in Gul, and Gul at that time was 1994, I'm talking about, was the hub of Hizbul Mujahideen. A very Gul is 57-58 kilometers from Ramban. Okay, it's a hub, it was at that time hub of Hizbul Mujahideen, and their area commander was Billu Gujar at that point of time. So he was a very dreaded terrorist and all that.
तो मेरे फादर ने पहले तो रेजिस्ट किया बट फिर उनको जाना पड़ा। तो फर्स्ट थिंग यहाँ पे लॉ, एक कश्मीरी पंडित होने के कारण उनको वो फैसिलिटीज नहीं दी गई जो उनको मिलनी चाहिए थी, लाइक पोस्टिंग ऑफ देयर चॉइस। अब उन्होंने 3.5 साल गूल में भी, मेरे को याद है मेरे फादर बोलते थे जब वो गूल गए थे तो स्कूल का, हायर सेकेंडरी स्कूल का रोल समवेयर अराउंड 160 था। 3 साल में उन्होंने 600 के ऊपर बच्चे एनरोल करवाए। ही यूज्ड टू गो, ही यूज्ड टू टॉक टू पीपल एंड टेल देम टू एजुकेट, एंड दैट वाज द बिगेस्ट थ्रेट टू टेररिज्म। एजुकेशन एक बिगेस्ट थ्रेट है टेररिज्म। जितना अनएजुकेटेड उधर यूथ को वो रखते, अनएम्प्लॉयड रखते, उनको टेररिज्म की तरफ खींच सकते थे। बट माई फादर एंड हिज टीम, दे वर्क डे एंड नाइट टू create that kind of environment where people were moving away from terrorism. Now 6 and a half years in the remote area. So he was told that he has been transferred to Gandhinagar higher secondary school, Jammu. Okay, he had a transfer order, everything. My father was happy. I remember that day he came home and he was very happy and all that. The next day somebody told him that education minister and director education wants to meet you and all that. My mother went along, and it was somewhere in April 1997. So she went along and wo education minister, director of education tha, unhone unke samne wo order faad diya. I said they teared the order in front of my father and told him that no, you have to spend one more year there. So this was a planned thing which everybody was right from higher hierarchy to lower hierarchy to terrorism to militants to separatist, everybody was involved. So my father was very disappointed. I remember that day he came home and he was very disappointed and all that. Then this incident happened on 15th of June 1997. My father was came for the summer vacation for 15 days and he was supposed to go in the evening. Two of his colleagues who were lecturers, Rajinder Kabu ji and Sushil Panta ji, came and they said, because they used to go very early in the morning. I never thought in my life that I could never say goodbye to my father again, because that day was the last day of his life. So 15th he went, and 15th, because there were no communication tools at that point of time. Nothing was there. There was no mobile phones, there was internet, nothing was there. Next day morning, 16th, at 4 o'clock, a bell rang at my house. We were my grandmother, me and my father. My mother was there, and I woke up. I saw an inspector and a DSP coming and said ki aapke father jo bus mein ja rahe the to us pe grenade ka hamla hua hai, so we don't know what is the casualty, somebody has to come with us. But I was very young, my mother was not in there, my grandmother was very old. To hamare mosa ji side mein hi rehte the, तो मैं उनके पास गया तो इनको लेके, तो फिर वो उनके साथ चले गए। बट बाई 8 o'clock इट वॉज ऑल क्लियर, इट वॉज ऑल इन द न्यूज़पेपर्स दैट 3 कश्मीरी पंडित्स वर किल्ड बाय टेररिस्ट इन गूल। सो आई विल टेल यू द वन इज द कॉन्स्पिरेसी पार्ट, बिकॉज आई विल टेल यू माई फादर वुड हैव रिटायर्ड एज डायरेक्टर एजुकेशन, और एक हिंदू, एक कश्मीरी को डायरेक्टर एजुकेशन वहां पे कश्मीर में बनना वो गवारा नहीं था किसी को। द इंसिडेंट हैपेंड, माय फादर ऑन 15th वर ट्रैवलिंग थ्रू बस, एंड गूल से 20 किलोमीटर पहले ही वो बस को रोका गया। तो बस में 50-60 लोग थे, उसको रोका गया, और आर्मी के यूनिफॉर्म में टेररिस्ट थे, देयर वर 4 ऑफ देम, एंड दे सेड कम डाउन एवरीबडी, एवरीबडी वॉज डाउन, एंड देन दे सेड हिंदूज एक साइड हो जाओ और मुस्लिम एक साइड हो जाओ। दे सेड दिस, इनमें से प्रिंसिपल साहब कौन है और उनके स्कूल के बंदे कौन है, वो कौन है। तो लोकल्स देयर रेजिस्टेड बिकॉज माई फादर हैड डन ट्रिमेंडस वर्क इन लास्ट 3 years देयर। तो दे वर नोइंग समथिंग बैड इज गोइंग टू हैपन, एंड इट कंटिन्यूड फॉर, एंड माई दे वर सेपरेटेड, देर वर 6 हिंदूज विच वर सेपरेटेड, एंड रेस्ट वर मुस्लिम्स एंड ऑल दैट। And these guys were saying that Quran ki kasam, Allah ki kasam, Prophet ki kasam, hum unse, hamara commander jo hai wo sirf baat karne wala hai, wo kuch nahi karne wala hai and all that. So after an hour and all that, my father intervened and said, let us check and all that, what they are saying and all that. And there was a cliff around the corner, जो एक blind spot था। तो उनको, 4 लोगों को वहाँ पे ले गए, उनमें से एक कश्मीरी, एक जम्मू के हिंदू थे, तो उनने वो क्लिफ में से डाइव मारी, वो पुलिस में थे और वो नीचे गिर गए, फिर टांग वांग टूट गई, बट वो भागने में कामयाब हो गए।
माई फादर एंड हिज टू कलीग्स रविंदर जी, रविंदर काबू जी हु वॉज ऑल्सो ए कश्मीरी, एंड सुशील पंडित जी हु वॉज ऑल्सो ए कश्मीरी. एंड माई फादर वॉज 46 ईयर्स ओल्ड, काबू जी वॉज समवेयर अराउंड 33-34 ईयर्स ओल्ड, एंड रविंदर जी वॉज समवेयर अराउंड 29 ईयर्स ओल्ड. माई फादर वॉज प्रिंसिपल एंड दीज टू वेर लेक्चरर. दे वेर टेकन एंड देन आफ्टर 5 minutes और समथिंग दे वेर बुलेट शॉट्स रैंडम. एंड आई डोंट नो, समबडी टोल्ड मी दैट द डेड बॉडी वॉज लाइंग देयर फॉर एट लीस्ट 40-45 मिनट्स और 1 hour. देन आई केम टू नो दिस, आई वॉज, वी केम टू नो एंड वी वेर शैटर्ड. एंड इन द इवनिंग डेड बॉडी केम, देयर वर वाज ह्यूज क्राउड आउटसाइड माई हाउस एंड ऑल दैट. I saw my father's body with 11 bullets and I saw his nails, because after his death he would have been alive for some time, and in that nail he had mud. तो उन्होंने वो कुरेदा होगा ना, इतनी तकलीफ उनको हुई होगी तो उन्होंने वो स्क्रैच किया होगा जमीन को वहां पे. This was where my father being a Hindu was targeted. There was nothing. Like it was a terrorist activity with no planning. It had all the plan. It was conspiracy where bureaucracy se lekar sab log involved the. They wanted to eliminate somebody who is very influential and who can go higher up to notches in government post and occupy the highest post. So they eliminated him, and there was nobody, no other than at least 10-12 number tak sab Muslim hi the uske baad. My father was the first in seniority. 6 saal pehle maine, I have filed a case regarding my father's this thing. I have filed a PIL which is in High Court for reopening my father's case, reinvestigating and giving it to CBI for further investigation. I am fighting that case. 1.5 years before I filed one more PIL which is in the High Court again, High Court Jammu, where I have inducted Bitta Karate. In my father's case, I have inducted the education minister, director of education, and directly Hizbul Mujahideen. In this case, I have Bitta Karate's confession for 22 murders and all that. I want government to reopen that case. I am fighting it. We have gone through session court. We are in High Court in both the cases. And honestly speaking, this only can bring closure to us. Justice. मतलब, can you believe this fact that hundreds of Kashmiris were brutally killed and none of them are convicted? There's no, not a single conviction. ये human rights के नाम पे सबसे बड़ा धब्बा है world का. What human rights we are talking about? Hundreds were killed and people have confessed on cameras that I have killed this, I have killed that and all that, and they are roaming free. Justice through law is the only closure we can get. Vikas ji, aap jo aapne legal jo case aapka chal raha hai isme abhi, haan ji, now status kya hai? Abhi high court mein hai sir. Aapka jo high court reopening of the case for your father. Dono case abhi high court mein hai. To unki sunwai ho rahi hai. सुनवाई अभी नहीं, सुनवाई एक दो हुई है अभी, ये क्योंकि ये कोविड की वजह से सब ऑनलाइन होता था. अभी हमको डेट्स मिली है जनवरी या नहीं फरवरी में, तो हमारा ये है कि वी विल टेक इट टू सुप्रीम कोर्ट एंड टेक इट टू द कंक्लूजन. आई विल फाइट मी थ्रू माय लॉयर उत्सव बैंस. We'll fight it till the end. Vikas ji, we all are with you. It's not a single person's fight or struggle. It's a struggle and fight of whole community. So we are always with you, and on behalf of Lotus World, whatsoever help you and your family needs, you kindly let us know. We will try to help you in all the aspects. Sure, sir. Legal, sure, and Rakesh social ji. Media is there. राकेश जी, माई पर्पज ऑफ फाइटिंग दिस केस वॉज ओनली दिस थिंग. अगर इसमें जरा सा भी कोर्ट का ऑब्जर्वेशन कुछ भी मिला, जरा सा भी, सो इट कैन बी ए बेंच मार्क फॉर ओपनिंग ऑल अदर केसेस, ऑल अवर केसेस एंड ऑल. जो आपका जो FIR है आपके केस की एंड क्लोजर रिपोर्ट, यू हैव बोथ कॉपीज? कैन यू शेयर विद मी? वी कैन, आई विल शेयर. इनफैक्ट they had done an investigation also. मतलब वहाँ पे फिर उन्होंने investigation किया था DC level के, उसका भी closure report मेरे पास. So अभी तक जो closure report क्या बोलती है? What in legal terms? नहीं, it's a terror act. और क्या? But I don't think so. It's a terror act. I think this was a conspiracy which was hatched
against my father. So you have the transfer orders which were told in front of your father? Kuch hai kya usse copy? We don't have that copy, but that copy was not given to us. Reason you know. Mm-hmm. But we are trying to get the that copy, and but it's very obvious now. My father has service record. Why was he transferred from Kargil to Gul? So he has spent 6 years, 7 years in a remote area where people. अच्छा एक एक प्रश्न मुझे अभी भी confusion होता है. मेरे father भी education department में ही हैं. ये अभी वो retired teacher हैं. When we left from Kashmir, उनको migrant salary मिली. तो आपके father was he not able to apply for migrant salary? He was migrant for 7-8 months. जब वो 90s में आए वहाँ पे 91 में तो बट 7-8 मंथ के बाद ही वो प्रमोट हो गए और करके वाज दैट प्रमोशन ए प्लांड वन और इट वाज दैट वाज अ वेरी डिजर्व्ड प्रमोशन बिकॉज़ ही वाज वेरी हाई इन द सीनियरिटी तो बट ठीक है वो करगिल और ही वाज अ वेरी यंग मैन तो करगिल जाके बट ही डिजर्व्ड प्रमोशन चॉइस आफ्टर 3 years ऑफ spending time at Kargil and all that, but he didn't got, and he had to work 3 and a half years again in Gul, and then also he didn't got, even after getting 2 transfer orders. We have a lot of evidence, we have a lot of things which are because this is something which is in court right now, so I won't disclose much about this thing, what we have and all that, because that is in front of court and all, but I am sure that something will happen. At least observation, at least something, at least restarting those cases. And for Bitter Karate, the FIRs and all that, we have found those. And we have filed a very strong PIL. And we are hopeful that government will take cognizance and courts will take cognizance of those evidences and start an investigation at least. So justice तो उसी से मिलेगा और कोई it is no other option. जो अभी कश्मीर में जितने भी killings हुई हैं सभी सबसे उसमें से जो बड़े कांड हुए हैं जिसको हम मतलब जिसमें more than one dozen people जिसमें मारे गए हैं एक से वंदामा का मैस्कर एक आता है वंदामा मैस्कर का जो report आई है उसमें लिखा गया है कि killers are untraceable. उसका क्लोजर रिपोर्ट मैंने पढ़ी है उसमें क्लोजर रिपोर्ट वही है ना वो तो वो हर जगह पे किया है इवन मेरे इस पे भी लिखा था बट देन दे बिकॉज़ दे इन्वेस्टिगेटेड एंड दे फाउंड दैट बिल्लू गुजर वाज बिहाइंड द किलिंग ऑफ माय फादर एंड ही वाज आल्सो किल्ड आफ्टर 2 years. विकास जी आपके साथ जो भी हादसा हुआ है स्पेशली मी एज ए कश्मीरी हिंदू मुझे ये पता है कि आप किस मुश्किलों से गुजरे हुए होंगे उस समय क्योंकि हमने भी ऐसे बहुत सारे ऐसे केसेस खुद अपने आंखों से देखे हुए हैं. मेरी फैमिली में भी एक दो हत्याएं ऐसी हुई हैं तो मुझे पता है कि जब ऐसी चीजों से हम गुजरते हैं तो हमारे ऊपर क्या गुजरती है तो बीतती है तो हम लोटस वर्ल्ड आपके परिवार से पूरा सहानुभूति रखते हुए आपसे आपको धन्यवाद करता है कि आपने अपने बिजी शेड्यूल में से कुछ समय निकाला और अपनी जो ये कहानी है ये लोटस वर्ल्ड के द्वारा पूरे विश्व के लोगों के लिए आपने आज बताई है. जो हमारे श्रोता है अक्रॉस द ग्लोब जो भी उनको पता चले कि कश्मीर में हिंदू होना आजकल की परिस्थिति में एक बहुत बड़ा क्राइम बन गया हुआ है. अगर आप हिंदू हो वो भी कश्मीर में हो तो आप बेबस हो आप प्रताड़ित होंगे आप पीड़ित हो जाओगे और सबसे बड़ी चीज आप निष्कासित हो जाओगे. थैंक यू राकेश जी थैंक यू लोटस ग्रुप फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस इंटरव्यू. हमारा मकसद एक ही है कि कश्मीरी पंडितों को जस्टिस मिले और इस नोट पे आई वॉन्ट टू थैंक यू अगेन. थैंक यू. थैंक्स विकास जी. मैं अपने श्रोताओं से ये बताना चाहूँगा कि मैंने विकास रैना को का इंट्रोडक्शन आपको दिया नहीं है और मैं आपको ऑरली देना भी नहीं चाहता बिकॉज जो भी हमारे इस कार्यक्रम 19 जनवरी निष्कासन की दास्ता में आएगा वो खाली एक कश्मीरी हिंदू होगा जो कि एक पीड़ित है जो कि एक ये प्रताड़ित है और जो कि एक निष्कासित है. इसके अलावा हमारे पास उसका और इंट्रोडक्शन कुछ है नहीं है लेकिन फिर भी
अगर आपको विकास जी से पर्सनली इन टच रहना है तो हम डिस्क्रिप्शन में विकास जी का पूरा बायोडाटा प्लस उनका पूरा सोशल मीडिया के हैंडल दे देंगे। यू कैन गेट टच विद विकास जी इन पर्सन इफ यू वांट टू हेल्प हिम इन एनी केस। अगर आप लीगल में उनका हेल्प करना चाहोगे बिकॉज की ये केस हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है, तो इफ यू आर अ गुड लॉयर, इफ यू नो सम गुड लॉयर हु कैन हेल्प विशाल विकास जी इन दिस केस, काइंडली गेट टच ईदर विद विकास जी इन पर्सन और यू कैन ऑल्सो गेट टच Via Lotus World, we will make you a connection with Vikas ji and आप एक कश्मीरी हिंदू की ऐसे आप मदद भी कर सकते हो। इसी on this note मैं आप सब श्रोताओं को ये धन्यवाद देता हूँ और सबसे आखिरी में आपसे एक डिमांड करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हैं और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इसी के साथ मैं लेता हूँ यहाँ पर विराम। जय हिंद। जय हिंद। नमस्कार। We'll be right back.